अल्फा ड्रॉइड का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F5 डिवाइस के लिए, जो कि एक ऑफिशियल सपोर्ट है और लंबे टाइम के बाद इसका अपडेट देखने को मिला। और इस बार इसके UI के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको फील देता है पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, फीचर्स क्या है, कस्टमाइजेशन क्या है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की, ताकि आपको सारा डिटेल पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर रखा है, आप भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको पावर का एनिमेशन देखने को मिल जाता है, सेटिंग काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है। सबसे बड़ा चेंज आपको इसके UI के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर रखा गया है, कुछ इस तरीके से एनिमेट किया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को ये बच्चे टाइप का दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो कुछ भी है, कुछ नया देखने को मिला है लंबे टाइम के बाद, जो कि मुझे अच्छा लगा। और एक रीसेट का सेटिंग है, जो कि आप रीसेट कर सकते हो। आते हैं हम अपने अबाउट सेशन पे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 15.3.2 का ये लेटेस्ट अपडेट है, जो कि हमारे पोको के F5 के लिए है, जहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 15.5 मेगा का सिक्योरिटी पैच है, बिल्ड ऑफिशियल है हमारे मेंटेनर का नेम। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मैं GS वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप वनीला के साथ जा सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता। 1 जून का यहाँ पे बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बैक की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे सेटिंग अंदर जो मुद्दे से काफ़ी अच्छा है, और अल्फा ड्रॉयड एवरी टाइम थोड़ा हैवियर साइड रहता है, हल्का फुल्का जिटर लैग तो देखने को मिलता ही था जितना भी मैंने आज तक चेक किया, बट ये पहला अपडेट में देखा हूँ कि यहाँ पे वो जिटर लैग देखने को नहीं मिला, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, जो कि मुझे रियली में पसंद आया है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज जो कि आपके काम आने वाला है डेली लाइफ में, वो है बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलता है पावर प्रोफाइल और बाकी अदर चीज़ें जो कि यहाँ पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, पावर एप थर्मल प्रोफाइल दिया गया, जिसका मैंने यूज किया, और ये रियली में परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, जो कि आप देख सकते हो बेंचमार्क पे मैंने सेट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसे भी बेंचमार्क पे डाल रखा है, जो कि इंप्रूवमेंट आता है। अगर आपको बैटरी सेविंग पे जाना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हो, गेमिंग करना है तो गेमिंग पे डाल सकते हो, इस तरीके से परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज मॉडिफाइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको पावर टूल का ज़्यादा नॉलेज है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन हाँ, उसके पहले इसे ऑफ करना पड़ेगा पावर टूल में। अब यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जो कि ये भी है जो प्रॉपर काम करते हैं और पूरे सिस्टम UI के परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, जो कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बना देता है। तो यहाँ पे बैटरी विजेट, चार्जिंग कंट्रोल, स्लीप मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और साथ साथ अगर हम बैक की ओर चलते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है नेविगेशन मोड, जहाँ पे सर्कल टू सर्च दिया गया है, सिस्टम अपडेटर है, सिस्टम डायग्नोसिस है, और गेम बार का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है लेटेस्ट वाला, तो इसका भी आप बेनिफिट यहाँ पे जो ले सकते हो। अगर हम आते हैं ऐप्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऐप्स लॉक, उसके बाद क्लोन और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, और ये आपके काम भी करते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें ट्राई कर रखा है। डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, डार्क मोड के अंदर यहाँ पे प्योर ब्लैक ऑप्शन मिसिंग है, साथ साथ यहाँ पे लाइव डिस्प्ले है, कलर के ऑप्शन है, रिफ्रेश रेट आपको ऑप्शन मिल जाता है, टैप टू बैकअप है, हाई टच पॉलिंग रेट है, पर एफ रिफ्रेश रेट है, आपको सेचुरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और HBM भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपके काम आने वाला है। रही बात यहाँ पे इसका कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे ओवरऑल जैसे कि आप बाकी अदर कस्टमर मिलते हैं सेम उसी तरीके से है, और यहाँ पे 3 सेटिंग दिए गए हैं सेटिंग के स्टाइल के, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आपको दिखाई देता है। तो एक सेटिंग का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, दूसरा ये अल्फा वाला है जो कि स्टील में यूज कर रहा हूँ, और तीसरा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा अलग कैटेगरी में। तो ये तीनों लुक आप अपने यहाँ से चेंज कर सकते हो, अभी डिफॉल्ट वाला अल्फा मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी वही सारे आइकन पैक, सिग्नल आइकन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, फॉन्ट्स वगैरह देखने को मिलता है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको जो सिस्टम UI स्टाइल दिया गया, अब देख सकते हो बैकग्राउंड आपको वॉलपेपर नजर आ रहा होगा, तो इस तरीके से आप जो इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो। तो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रखो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ऐसे मुझे बाय डिफॉल्ट वाला ही ज्यादा पसंद आता है। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक्सेस बार के अंदर क्लॉक के कस्टमाइजेशन, नेटवर्क ट्रैफिक है, इंडक्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बैटरी के है, ऑटो ब्राइटनेस वगैरह, और पैडिंग कंट्रोल। QoS के अंदर आपको हेडर इमेज मिलता है, जो कि नॉर्मली काम कर रहा है, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आया है। बाकी बैटरी स्टाइल्स वगैरह है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, QoS पैनल जो कि मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है, देख सकते हो ना, साइबरपंक अगर मैं V2 करता हूँ तो ये तो आपने पहले से यूज कर रखा, देखो बदल गया है, तो मैं ये नॉर्मल वाला यूज कर रहा हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा देखने में। बाकी यहाँ पे रो एंड कॉलम आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे कि अभी मैं 3 कर रखा हूँ, अगर मैं 4 कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे हो जाते हैं, जो कि बेकार लगते हैं, 3 तक काफ़ी तक सही लगता है। बाकी यहाँ पे डेटा यूजेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, बटन के अंदर पार्सल स्क्रीन शॉट वगैरह, बैकअप रोटेशन का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन के अंदर एम्बिएंट चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, और बाकी टैप टू बैकअप, फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन, पावर मेनू,
नोटिफिकेशन के अंदर आपको फोर्स स्टॉप, हैंड्स अप वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाता है। साउंड के अंदर वॉल्यूम स्टेप्स वगैरह है, और यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर जो हैप्टिक आते हैं उसे भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड आपको कंट्रोल मिल जाता है वाइब्रेट का, लेकिन यहाँ पे डायलर जो है गूगल का है, बट BCR यहाँ पे दिया गया है जिसकी हेल्प से आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे, तो भी अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। अंदर यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर आपको गेम स्पेस मिल जाता है, और हाँ इसे आप ऑफ रख लेना क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसके साथ दिया गया ना वो गूगल की तरफ से ब्लॉक्ड है, जिसको ऐसे आपको डिवाइस सर्टिफाइड नहीं मिलता, आपको मैनुअली जो फिक्स करना पड़ेगा, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। तो जैसे कि आपका वो ऑन रहेगा तो ये तीनों फेल रहेगा, लेकिन जैसे आप उसे ऑफ कर देते हो एक पास हो जाता है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि कैसे फिक्स करना है और बैंकिंग ऐप वगैरह यूज करना है, तो उस वीडियो को चेक कर लेना और उसके बाद आप है जो इसे फिक्स करके यूज कर पाओगे, क्योंकि आजकल गूगल बहुत ज़्यादा भाई नाटक कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, स्पेशली कस्टमर यूजर्स को, तो ये तो दिक्कत थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको साइड बार, ट्रिपल फिंगर पे क्या एक्शन आपको रखना है, वो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे अबाउट सेशन अल्फा से रिलेटेड है, जो कि आप देख सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो अगर कुछ बात वगैरह है वैसी तो। और रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है वो देखते हैं, और कैमरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया गया है पोको वाला, जिसे आप लाइका कैमरा भी कह सकते हो, और ये हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। तो आते हैं अब टेस्ट रिजल्ट के ऊपर। पे GX वर्जन में बाय डिफॉल्ट इतने ही आपको सिस्टम ऐप मिल जाते हैं, जहाँ पे डॉली वगैरह दिया गया है, आप बाकी अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आप अगर बात करो कैमरे वगैरह की तो वो हमारा वर्किंग रहता है, नो इशूज। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें क्या, तो डिवाइस सर्टिफिकेशन मैंने आपको शो ही कर दिया कि फेल रहता है, आपको पास करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं रहता। ये फर्स्ट डे का अनट्रू स्कोर, जब सेकंड डे मैं इसे चेक करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ यहाँ पे गीकबेंच भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट शो करता है, और चार्जिंग स्पीड जो कि 16 मिनट में जो 37% गया है, जो कि काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि यहाँ पे नज़र आता है। गेमिंग के अंदर आपको स्ट्रीम और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और यह है नॉर्मल CPU थ्रॉटल, जो कि ठीक नहीं है, बट जैसे मैं परफॉर्मेंस बूस्ट करता हूँ 4,02,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पर 3,47,000 है, 89 का परसेंटेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें तो 56 के बाद मॉर्निंग में आता है 54, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली ऑन 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है करीब करीब 9 आवर्स के स्टैंड बाई टाइमिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सही निकल के आता है। तो ये सारे डिटेल आपको मिलते हैं इस अल्फा ड्रॉइड के अंदर, जो कि काफ़ी सही और काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसके अपडेट आए हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करती है, और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि बाकी तो रोम काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है इस पर प्रोवाइड करने का। तो आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार डालना कैसे तो वही सेम मेथड, आप ऑरेंज फॉक्स इसे फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो, अदरवाइज मैं लास्ट में एक इंस्टॉलेशन वीडियो ऐड कर दूंगा जिसे आप देख के इंस्टॉल कर पाओगे। और चाहो तो आप इसे ADB साइड लोड के मेथड से भी डाल सकते हो, क्योंकि उससे भी ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप चाहो तो FW भी फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है, तो डालोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। फोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी है उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है, और CMD कमांड को ओपन करना है। CMD कमांड जैसे ही ओपन होता है, आपको या तो पहले ड्राइवर चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TWRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TWRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को 1x1 करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये सेम फॉलो कर सकते हो आप अपने HyperOS को फ्लैश करने के लिए, USB वाले किसी भी रोम को फ्लैश करने के लिए, सेम चीज़ें यहाँ पे होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।